अजमेर एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की हवाला राशि के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ये राशि भीम से ब्यावर लेकर जा रहे थे, तो वहीं जानकारी के अनुसार अजमेर एटीएस टीम को सूचना मिली कि भीम से ब्यावर हवाला की राशि लिए जा रहे हैं। इस पर अजमेर एटीएस प्रभारी अपनी टीम को जवाजा के साथ टोल प्लाजा पर भेजा गया, जहाँ जवाजा पुलिस की टीम ने सहयोग से ब्लैक रंग की डस्टर कार को जाँच के लिए रोका गया, जिसे लगभग 50 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। और अजमेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि तोलियन चौपड़ निवासी सिद्धार्थ जैन और विजयनगर रोड निवासी रामचंद्र साहू को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि भीम से ब्यावर गाड़ी जा रही थी और अजमेर एटीएस की ये बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है। हवाला की राशि के साथ दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भीम से ब्यावर लेकर जा रहे थे हवाला की राशि, जिसे पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर एटीएस की बड़ी कार्यवाही, हवाला की राशि के साथ दो युवकों को अजमेर एटीएस ने गिरफ्तार किया है। भीम से ब्यावर लेकर हवाला की राशि लेकर जा रहे थे, करीब 50 लाख की राशि बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से, दोनों युवकों से पूछताछ में जुटी है। में सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई भीम से एक गाड़ी आ रही है डस्टर, जिसमें हवाला का पैसा है, तो नाकाबंदी करा के उसको पकड़ा गया है। इसमें 50 लाख रुपए कैश मिला है। कोई जानकारी मिली क्या इसका पैसा? अभी तक प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें हवाला का कारोबार का ही पैसा होना ज्ञात हुआ है। अभी इनकम टैक्स को सूचना दे दी है, अभी जाँच के बाद पता चलेगा कि आगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सौरभ, बताएं कि अजमेर एटीएस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, हवाला की राशि लेते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है, कितनी राशि बताई जा रही है? जी ज्योति बदला सिंह, अजमेर एटीएस को सूचना मिली थी कि भीम द्रासमा जिले में वहां से ब्यावर निवासी सिद्धार्थ जैन और एक उनके जो ड्राइवर थे रामचंद्र साहू, जी सौरभ, ब्यावर हवाला के पैसे लेके आ रहे थे। इस पर एटीएस ने पूरा जाल बिछाकर जवाजा के टोल है वहाँ पर जब नाकाबंदी की तो एक ब्लैक कलर की डस्टर गाड़ी पर रोका गया, उसमें लाल कलर का बैग रखा हुआ था। बैग की तलाशी के दौरान उसमें 50 लाख रुपए, जो एक बहुत बड़ी राशि जिसको हम कह सकते हैं, वो एटीएस ने जब्त की है। जी सौरभ, सौरभ ये बताएं कि दो युवकों के अलावा कोई और भी उनके गैंग में या फिर कोई और भी उनके साथ था, इसकी अभी पुलिस ने पूछताछ में कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, अभी इसमें एटीएस जांच कर रही है कि हवाला से कारोबारी और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, अभी पूछताछ जारी है। और इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, वो भी अपने स्तर से पूछताछ कर रही है कि काली कमाई के जो 50 लाख रुपए है वो कहां से आए थे। सौरभ, कितनी राशि बताई जा रही है हवाला की जो पुलिस ने जब्त की है? 50 लाख रुपए की राशि है, तो एक बहुत बड़ी राशि जिसको हवाला की पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी। जी सौरभ, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे A1 संवाददाता सौरभ, जिन्होंने बताया कि अजमेर एटीएस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दो युवकों को पूरा जाल बिछा के कार्यवाही की है और दो युवकों को हवाला की राशि करीब 50 लाख के साथ गिरफ्तार किया है।